अभी 7:45 बजे हैं। हमारे एक छोटी सी राइड का प्लान था, मैं और वसीम भाई दोनों राइड करते हुए जाएंगे नीला गुंबद माल रोड पे। वहाँ पर गुलाम रसूल एक चने वाला बैठता है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी तारीफ सुनी है उसकी, और वहाँ से नाश्ता करेंगे। मैं निकलने लगा हूँ राइड करते हुए, हम लोग जाएंगे सीधा, तो अभी साथ ही रहिएगा। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नाश्ता करने वहाँ पे, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और धूप भी आ गई। आई होप कि जो हमारी छोटी सी जर्नी है वो कामयाब रहे। अभी हम लोग लिबर्टी मार्केट में राइड करते हुए सीधा यहीं आए थे, यहाँ से फ्यूल डलवाना है फिर यहाँ से सीधा जाना है। तो राइड काफ़ी ज़बरदस्त जा रही है, काफ़ी स्मूथ जा रही है और कोई रश भी नहीं है, ये टाइम परफेक्ट होता है राइड के लिए। अभी एक सीन हो गया बहुत बैड किस्म का, और वो ये है कि मुझे डेमो काट गया मेरी चेस्ट पे, सारी लाल हो गई है। तो अभी मैं एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में बैठा हूँ, ये हमने मेडिसिन लिया, मेडिसिन खा रहा हूँ। ये हमारे दानियाल भाई साहब जो नाश्ते में बिस्किट खा रहे हैं, खाने निकले थे हम गुलाम रसूल के चने, अल्लाह सेहत दे। नहीं नहीं, आज हमने जाना है, टेंशन नहीं लेनी, आज हम फुल टाइम सोच के आए हैं जो चीज़ नेक मार्क्स भी देखने शुरू कर दिए हैं, ये हम अभी ऑर्डर करेंगे, अभी ऑर्डर करेंगे, बड़ा ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर ट्राई करते हुए हम लोग दोबारा से कोशिश करने लगे हैं। अभी जेल रोड पे ही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से अब सीधा जाना है नाश्ता करने, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी बेहतरी है मेरी। तो फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, स्ट्रेट पे हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधा राइड करते हुए हम लोग गए थे नीला गुंबद, जहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता करना था। लेकिन जब मैंने वहाँ पे नाश्ता देखा मैं पागल हो गया था लिटरली। मैं पहली बाइट लेने लगा हूँ, होपफुली अच्छी, अच्छा टेस्ट हो। नहीं दानियाल, दोनों चीज़ें मज़ा है, नेक्स्ट टेस्ट अब तक जितने खाए हैं सब में से वर्थी है, ट्रस्ट वर्थी है, सीधी सी बात। हम लोगों ने दबा के खाया, नसीम भाई की हालत देख सकते हैं, ज़बरदस्ती हर जगह से हवाएं चल रही हैं, ये फ़ैन लगा हुआ है जिसकी वजह से बाल उड़ उड़ जा रहे हैं। किसी ने बहुत ही सवाब का काम किया, इधर फ़ैन लगा दिया, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन उसके बाद इजी सीन हो गया था। अब हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या खाएं, गुलाब जामुन ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे दो दफ़ा एक बच्चा है वो दो दफ़ा लेके गया, ट्राई करते हैं। वो गुलाब जामुन बड़े लजीज किस्म के गुलाब जामुन लग रहे हैं। सर बिस्मिल्लाह करें सर, ये तो हैं गरम गरम, सबसे बड़ी बात है शीरा ऊपर से गिर रहा है। नाइस यार, यार अखीर है गरम और बेहतरीन। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? ऑसम एक्सपीरियंस, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी चने खाए हैं सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, प्राइस टू वैल्यू है। नाश्ता करने के फौरन बाद हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के सीधा घर पर आए हैं, और घर पर आके मैं ये सारा कुछ शूट कर रहा हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद एक तो होश नहीं थी बिल्कुल भी, पेट फुल भरा हुआ था, बिल्कुल बेहोशी की हालत में 120 की स्पीड में मैं बाइक चलाता हुआ घर आया हूँ। इट्स टाइम फॉर द रिव्यू, क्योंकि सारी बात ही रिव्यू की है और आप सबके लिए एक बेहतरीन सा ओपिनियन है। पहली बात यह है कि अगर आप लोगों ने वहाँ पर जाना है तो 10 बजे से पहले ना जाइएगा, क्योंकि 10 बजे ही वो खुलता है और 10 बजे के बाद से नाश्ता शुरू हो जाता है। चनों का टेस्ट बहुत अच्छा था, नान भी बड़े क्रिस्पी किस्म के थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। इन्होंने खाने की क्वालिटी का तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, क्वालिटी बेहतरीन है, टेस्ट बेहतरीन है, बिल्कुल भी मिर्चे नहीं है। तो खाने की तरफ से तो बिल्कुल 10/10 मैं ग्रेड दूंगा। और वहाँ पर दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वहाँ का स्टाफ मेंबर बहुत ज़बरदस्त है, आपको वेट नहीं ज़्यादा करना पड़ता, और जो सर्विस है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, हर कोई आपकी बात सुनेगा, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आपको मिलेगा,
और किसी भी किस्म का वेट नहीं करना पड़ता, कोई भी केओस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो मालिक है ना उस जगह का, वो खुद ही सर्व करता है, और जब मालिक अपने बिजनेस में काम करता है तो तरक्की तो होती है। सो फाइनल ओपिनियन मेरा यही है कि आप लोग ज़रूर जाएं नीला गुंबद में, ये दुकान है, जाके देखें, वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ पे जाके चने ट्राई करें, बड़ा मज़ा आता है, यकीन करें। मेरा तो आज का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा है। डेमू काटा था मुझे बड़ा हैवी किस्म का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ, चने खाने के बाद बेहतरीन हो गया था सारा कुछ। सो आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अस्सलामुअलैकुम।